जहां तू है। दोस्तों अभी आपने जो फर्स्ट में श्री राम टी शर्ट नेम वाले वीडियो देखी, अगर आप इस तरह की वीडियो अपने खुद की बनाना चाहते तो आपने इस वीडियो को लास्ट देखना होगा। और मैंने गाइस वीडियो में दो तरीके बता रखे हैं, ठीक है। और जो लास्ट वाला तरीका है उसमें आप केवल वन क्लिक में बना सकते हो। तो उसके लिए आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करें जिसका नाम है VN ऐप। तो इस ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। तो आपको सबसे पहले क्रोम ब्राउज़र ओपन करना है, मतलब गूगल ओपन कर रहा है। ओपन होने के बाद यहाँ पर गाइस आपको सर्च करना है बिंक इमेज क्रिएटर, ठीक है। इस वेबसाइट को सर्च कर लेना, फर्स्ट में वेबसाइट आ जाएगी। इस वेबसाइट को ओपन करते हैं और यहाँ पर गाइस इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। सो अगर आप इस वेबसाइट को फर्स्ट टाइम ओपन कर रहे हो तो आपको इसमें अपना अकाउंट बनाना होगा, माइक्रोसॉफ्ट में अपना अकाउंट बनाना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे अपना अकाउंट बना रखा। अगर आपको अकाउंट बनाना नहीं आता तो गाइस आप इस वीडियो को देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो का, ठीक है। अकाउंट बन जाने के बाद गाइस आपको एक स्टोरी लिखनी है इस बॉक्स में, तो यहाँ पर मैंने लिखी है तो पेस्ट करते हैं। देख लीजिए आप लिखा चुका है। और यहाँ पर गाइस आप चेंज भी कर सकते हो, जैसे आप लिखा है 18 ईयर ओल्डी, आप 20 लिख सकते हो, 25, आप जितना लिख सकते हो लिख सकते हो। यहाँ पर बॉय लिखा है, अगर आप गर्ल ओडी तो गर्ल लिख लेना, तो इतना हो चुका। और यहाँ जैसे लिखा है रामायण, ठीक है, आप कोई दूसरा सीरियल लिख सकते हो। और यहाँ पे जैसे कि लिखा है श्री राम, आप कोई दूसरा लिख सकते हो, कृष्णा, महाकाल या हर 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 महादेव, ठीक है, आप जो भी लिखना चाहते हो लिख सकते हो। उसके बाद आपको क्रिएट पे क्लिक कर रहा है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर गाइस थोड़ी देर लोडिंग लेगा और फिर फ़ोटो बन जाएगी, तो हमें यहाँ पे थोड़ा इंतज़ार करना होगा। सो देख लीजिए यहाँ पे दो फोटो बन के आ चुकी है। अगर आपको फ़ोटो अच्छी नहीं लगती तो आपको फिर से क्रिएट पे क्लिक करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें जाना है बैक, ठीक है, और इस बॉक्स में फिर से उसी टेक्स्ट को पेस्ट करना है, फिर क्रिएट पे क्लिक करना है और यहाँ पे दूसरी फ़ोटो बन के आ जाएगी। देख लीजिए यहाँ पर फोटो बन के आ चुकी है। और यहाँ पर गाइस मैंने बहुत सारे फ़ोटो बना रखी है, देख लीजिए पहले से गाइस मैंने इसमें बहुत सारे फ़ोटो बना लिए, जिस वजह से अभी इस समय फ़ोटो अच्छी नहीं आ रही। ये देख लीजिए, आपको एक बार दिखाते हैं। देख लीजिए मैंने फ़ोटो बनाई थी, ठीक है। आपने इस फोटो को डाउनलोड कर लेना है, यहाँ पर 3 डॉट का ऑप्शन है, क्लिक करके आपने डाउनलोड कर लेना। मैंने डाउनलोड कर रखा है तो यहाँ पर ऑप्शन नहीं आ रहा, तो आपको बता दें कैसे डाउनलोड करना है। मैं बैक कर लेता हूँ सबसे पहले। तो मैंने इस फोटो को ओपन किया, फिर आपको 3 डॉट पे क्लिक करना है डाउनलोड, ठीक है। आपने इस तरीके से फ़ोटो सेव कर लेना, ठीक है। फोटो सेव होने के बाद आपको VN ऐप ओपन कर दें। तो यहाँ पर ओपन करते हैं, प्लस आइकन पे क्लिक करना है। न्यू प्रोजेक्ट ओपन करने के बाद जो फ़ोटो सेव करी थी ना उसे ओपन कर लेना है। सो यहाँ पर मैंने फ़ोटो ऐड कर ली, उसके बाद मूव करना है, लास्ट में जो ब्लैक लेयर शो करी उसे हटा लेना है। और जो फ़ोटो है इसकी टाइमिंग लंबी करनी, लेंथ लंबी करनी है, फ़ोटो पर टैप करना है और इस तरह खींच लेना फ़ोटो, ठीक है। टाइमिंग बढ़ चुकी है और उसके बाद नीचे एक ऑप्शन दिखेगा, आपको बीजी क्लिक करना है और इमेज पे क्लिक कर रहे हैं, टिक करते हैं। फिर आपको फ़ोटो पे जूम कम करना है, ठीक है। जूम कम करने के बाद ऊपर एक ऑप्शन देखिएगा, इस पर क्लिक कर रहे हैं। यहाँ से आपको 9x16 वाला साइज़ सेलेक्ट करना है, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद इस फ़ोटो का साइज़ आपको इस तरीके से स्क्रीन में एडजस्ट कर लेना है। और अब करना क्या है, जो फ़ोटो में TV है इसमें एक लाइव वीडियो ऐड करें रामायण की, तो मैं लेयर को फर्स्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर ऑप्शन है क्लिक कर रहे हैं, वीडियो ने फोटो में जाना है और यहाँ से गाइज आपको एक वीडियो ऐड कर लेनी। सो मैंने वीडियो ऐड कर ली और इस वीडियो का साइज़ छोटा कर रहा, और यहाँ पे TV में अच्छी तरीके से आपने इस वीडियो को एडजस्ट कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे एडजस्ट करता हूँ, फ़िलहाल मैं इतना कर लेता हूँ, ठीक है। और नीचे का ऑप्शन दिखेगा, आपको मास्क क्लिक करना है और इस ऑप्शन में चले जाना है, ठीक है। इसके बाद गाइज़ आपको इस तरीके से वीडियो का साइज़ बड़ा करना है और एडजस्ट कर लेना है TV के ऊपर, ठीक है। फिर इसकी में टैप करना है और फिर आपको वीडियो का साइज़ हल्का सा बड़ा करने के बाद यहाँ पे स्क्रीन में सेट कर लेना, ओके। इसके बाद आपको फ़ोटो के लेयर पे क्लिक कर रहा है, डुप्लीकेट पे क्लिक कर रहा है, और जो डुप्लीकेट लेयर है क्लिक करते हैं, नीचे का ऑप्शन देखिए फॉरवर्ड क्लिक कर लेना है, और जो फॉरवर्ड वाली फ़ोटो है टैप करना है, इसे गाइज आपको ऊपर ले आना है इस तरीके से और आगे ले आना है, देख लीजिए आगे आ चुका है। और नीचे का ऑप्शन देखिएगा, आपको कटआउट का ऑप्शन क्लिक करना, कटआउट पर इससे फ़ोटो का बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा। अगर आपके उसमें कटआउट का ऑप्शन नहीं आ रहा तो आपने VN ऐप को अपडेट कर लेना, जैसे कि यहाँ पे मेरी फ़ोटो अच्छे तरीके से एडजस्ट नहीं हो रही, जो मैं कान था हट चुका है, तो इसे मुझे लाना होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करते हैं और आपको इस तरीके से मैनुअली भी कर लेना, ठीक है। फ़ोटो में टिक करते हैं, ये देख लीजिए आ चुका है, और यहाँ पर हल्का सा नीचे ब्लैक भी आ चुका है, इसे मैं रिमूव कर लेता हूँ। लीजिए सेट हो चुका, डन करते हैं और ये देख लीजिए यहाँ पे इतना हो चुका। आपको एक बार वीडियो प्ले करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो ये देख लीजिए,
ये वीडियो लग चुकी है। और अब कर रहे हैं क्या, इसमें गाइज अपना नाम लिखना है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिख रहा है टैक्स, क्लिक कर रहा है और यहाँ पर गाइज आपको अपना नाम टाइप कर लेना है। तो यहाँ पर मैं अपना नाम टाइप कर लेता हूँ। नेम टाइप करने के बाद यहाँ पर ऑप्शन मिलता है फ्रंट, क्लिक कर रहा है और यहाँ पर वो काफ़ी सारे फ्रंट देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पर मैं इस फ्रंट को ऐड करता हूँ, टिक करते हैं और जो टैक्स है इसकी लेंथ आपको वीडियो के बराबर कर लेनी है। ठीक है, इतना हो चुका है। और इस नेम को गाइज आपको एडजस्ट कर लेना है। ठीक है, आप यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं यहाँ पर, तो इसे मैं एडजस्ट करूँगा यहाँ पर चुका। और अब इस नेम का कलर चेंज कर रहा है, नेम पे क्लिक करना है, कलर पे जाना है। यहाँ पे मैंने ब्लैक कलर सेलेक्ट किया और जो नीचे लाइन है ओपेसिटी तो मैं इसे कम कर ले इतना। ठीक है, और टिक करते हैं। ये देख लीजिए नेम टी शर्ट में एडजस्ट हो चुका है। अगर आप कलर चेंज करना चाहते हो नेम का, ठीक है, आपको यहाँ पर जाना है कलर, आप कोई दूसरा कलर ऐड कर सकते हो। ये देख लीजिए कलर में जाता हूँ और व्हाइट सेलेक्ट किया, आप यहाँ से व्हाइट कलर भी ऐड कर सकते हो। यहाँ पर गाइज व्हाइट कलर भी अच्छा लगा। तो यहाँ पर गाइज देख लीजिए वीडियो हमारी अमेजिंग तरीके से बन चुकी है। आप इस तरीके से वीडियो को बना सकते हो। ठीक है, और आपको सेकेंड तरीका बताता हूँ। तो यहाँ पर बैक कर, सो आपको फिर से वी एन ऐप ओपन करने, प्लस पे क्लिक कर रहा है, न्यू प्रोजेक्ट ओपन कर रहा है और आपने एक वीडियो ऐड करनी है। आपने ये वाली वीडियो ऐड कर लेनी है। आपको ये वाली वीडियो कहाँ मिलेगी, आपको जाना है गूगल में, आपको सर्च कर लेना है techlocase.com, फर्स्ट में वेबसाइट जी क्लिक कर रहा है, वहाँ से आपने इस वीडियो को डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर गाइज सब कुछ बना बुना है, आपको केवल इसमें अपना नाम लिखना है। तो आपको टैक्स में जाना है और टैक्स में आने के बाद यहाँ पर आपको केवल अपना नाम लिखना है। तो यहाँ पे मैं नेम लिख लेता हूँ और यहाँ पे इस नेम को मैं एडजस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, इसकी लेंथ मैंने लंबी करी, लंबी होने के बाद ये देख लीजिए एडजस्ट हो चुका है। और अगर आप इसका कलर, जैसे कि मैं इसकी ओपेसिटी हल्का सी कम कर लेते, नहीं ये देख लीजिए नेम एडजस्ट हो चुका है। और जैसे कि इसमें मैं इस कलर को करता हूँ, ठीक है, करा, ये देख लीजिए ये एडजस्ट हो चुका है। पहले से आपको इसमें ऑरेंज कलर करना होगा और यहाँ पर नेम एडजस्ट हो चुका है। अगर आप व्हाइट करना चाहते हो व्हाइट कर सकते हो, ब्लैक कर सकते हो, वो गाइज आपके ऊपर, आप जो कलर एडजस्ट करना चाहते हो। तो यहाँ पर मैं व्हाइट कर लेता हूँ और नेम पे क्लिक कर रहे हैं, मोशन पे जाना है और यहाँ पर काफ़ी सारे इफेक्ट देखने को मिल जाते हैं। ये देख लीजिए आप इन्हें भी ऐड कर सकते हो नेम के ऊपर, ये देख लीजिए। ठीक है, जैसे मैं इसे ऐड करता हूँ और ये देख लीजिए वीडियो हमारी केवल वन क्लिक में बन चुकी है। आप इस तरीके से वीडियो को बना सकती हो। आई होप आपको वीडियो पसंद आए, तो वीडियो को लाइक करो, शेयर, सब्सक्राइब। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।